हेलो एवरीवन, आज हम बेस को डिस्कस करेंगे टोपोलॉजिकल स्पेस में। लेट एक्स टा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, ए क्लास बी ऑफ ओपन सबसेट ऑफ एक्स, बी कंटेनिंग टा इज अ बेसिस फॉर टा, इफ एवरी ओपन सेट जी इज अ यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बी, इफ जी बिलोंग टू टा देन जी इज इक्वल टू यू आई बी आई वेयर बी आई बिलोंग टू बी। इसमें हम एक टोपोलॉजिकल स्पेस लेट करते हैं, देन हम कहेंगे कि जो बी है जो कि ओपन सबसेट है, क्लास है हमारे पास ओपन सबसेट ऑफ एक्स की, मीन्स के बी सबसेट है टा का, इज़ अ बेसिस फॉर टा इफ़ एवरी ओपन सेट जी इज़ अ यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा, मीन्स के हमारे पास जो टोपोलॉजी है उसको हम पूरी टोपोलॉजी को एक्सप्रेस कर सके, इज़ अ यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा, देन हम कहेंगे कि बी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेसिस है फॉर टाओ की। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, मज़ीद इसकी डेफिनेशन एग्जांपल से हमें क्लियर हो जाएगी। एक एक्स सेट गिवन है हमें जिसके एलिमेंट है ए बी सी डी और ई, और एक टोपोलॉजी है, और बेस गिवन है हमें बी सेट गिवन है हमें, और हमने बताना है ये हमारे पास बेसिस है कि नहीं, इज़ अ बेसिस फॉर टा। और सबसे पहले हमारे हमने जब डेफिनेशन की थी तो हमने क्या कहा था कि बी क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए टाओ का, और आप इजीली से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बी हमारे पास क्या है, सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस का, मीन्स के जितने भी हमारे पास बी के एलिमेंट है वो सब के सब लाई कर रहे हैं टाओ में। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। इसके सोल्यूशन में हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास की डेफिनेशन में हमने देखा था कि अगर हम टाओ को एक्सप्रेस कर सके एज अ यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बी, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास बी है, ये एक बेस होगी फॉर टाओ की, मीन के अगर हम इनका आपस में वन बाय वन यूनियन करें और वो पूरी टोपोलॉजी को एक्सप्रेस कर दें तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक बेस है। अगर हम x का यूनियन लेंगे फाई के साथ तो x आ जाएगा जो कि टाओ के अंदर लाई करता है, इस तरह फाई का यूनियन फाई के साथ लेंगे तो फाई आएगा वो भी टाओ के अंदर लाई कर रहा है, इसी तरह e का हम लेंगे यूनियन फाई के साथ तो e आएगा हमारे पास जो कि टोपोलॉजी में लाई कर रहा है, d का लेंगे d आएगा ये भी हमारे पास टोपोलॉजी में लाई कर रहा था, सी डी का यूनियन लेंगे फाई के साथ तो सी डी आएगा ये भी हमारे पास टोपोलॉजी में लाई कर रहा था, डी लेंगे इस तरह ए बी सी का लेंगे फाई के साथ तो डी और ए बी सी आएगा जो कि हमारे पास टोपोलॉजी के अंदर लाई कर रहे थे। अब हम ए बी सी का यूनियन लेंगे डी के साथ तो हमारे पास ए बी सी डी आएगा और ये भी हमारे पास टोपोलॉजी के अंदर लाई कर रहा था, इसी तरह हम सी का यूनियन लेंगे डी के साथ तो वो हमारे पास आएगा सी डी ई और वो भी हमारे पास इसमें टाओ में लाई कर रहा था। तो हमने देखा कि हमने पूरी की पूरी जो हमारे पास टोपोलॉजी थी वो हमने जनरेट कर दी है, मीन का एक्सप्रेस कर दिया एज अ यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बी, सो बी इज अ बेसिस। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, हमें सेट एक्स एक गिवन है जो कि ए बी सी है, उसके एलिमेंट्स है और टा है हमारे पास और एक बीटा है, अब हमने बताना है कि ये बेसिस है कि नहीं। अगर हम देखें सबसे पहले अगर हम इन तमाम एलिमेंट्स का यूनियन लें एक्स का एक्स के साथ लेंगे तो एक्स आ जाएगा, फाई का फाई के साथ यूनियन लेंगे तो फाई आ जाएगा, ए बी का फाई के साथ लेंगे तो ए बी आ जाएगा, बी सी के साथ लेंगे तो बी सी ले लेंगे, लेकिन अगर हम ए बी और बी सी का आपस में यूनियन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी सी, मीन्स के बी किसी भी तरह जनरेट नहीं हो रहा जो टाओ के अंदर है बी सेट, तो सिंस बी बिलोंग टू टा कैन नॉट बी रिटन एज अ यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा एज अ यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बी, सो बी इज़ नॉट अ बेस। नेक्स्ट कुछ रिमार्क है, ओपन इंटरवल फॉर्म अ बेस फॉर यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर, और ओपन डिस्क फॉर्म अ बेस फॉर यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। इसकी कुछ मजीद एग्जाम्पल है, लेट एक्स इज इक्वल टू आर, बी वन हमारे पास ओपन इंटरवल है वेयर ए बी बिलोंग टू आर इज़ अ बेसिस फॉर यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर, और बी टू है हमारे पास हाफ ओपन इंटरवल ए बी बिलोंग टू आर इज़ अ बेसिस ऑन आर, इसी तरह नेक्स्ट हाफ इंटरवल हाफ ओपन इंटरवल इज़ अ बेसिस ऑन आर, और बी फोर है हमारे पास क्लोज इंटरवल है हमारे पास और
ये हमारे पास बेस नहीं बनाता, क्योंकि अगर हम इन दो इंटरवल्स का आपस में इंटरसेक्शन ले, ए बी इंटरसेक्शन बी सी, तो वो हमारे पास बी आता है, और वो जो के बी फोर बी मीन के बेस में लाइन ही करता, बी फोर में लाइन ही करता, तो बी फोर इज़ एन आर्ट बेस फॉर एनी टोपोलॉजी ऑन आर।